एचआईवी के लक्षण क्या है? एचआईवी के लक्षण कितने दिन में पता चलता है? एचआईवी के लक्षण कितने दिन तक रहते हैं? एचआईवी के लक्षण क्या सभी को दिखते हैं? और क्या सभी लक्षण सब में आते हैं? और आखिर में हम देखेंगे क्या एचआईवी के लक्षण से एचआईवी का निदान हो सकता है या नहीं। एचआईवी के लक्षण क्या है? बुखार आना, गले में खराश होना, लिम्फ नोड का बढ़ जाना, चमड़ी पर रैशेस आना, स्नायु का दर्द, थकावट, ठंड लगना, मुंह में छाले होना और रात को पसीना होना। एचआईवी के लक्षण कितने दिन में पता चलता है या एचआईवी के लक्षण कितने दिनों में दिखते हैं? तो यह 2 से 4 हफ्ते में एचआईवी के लक्षण दिख सकते हैं। एचआईवी के सभी लक्षण क्या सब में दिखते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे कि बुखार सभी को नहीं आता, 86% लोगों को बुखार दिख सकता है। लिथार्जी यानी कि वीकनेस 74% लोगों को, माइल्जिया यानी कि स्नायु का दर्द 59% को, रेशिस यानी कि चमड़ी पर चाटे हो जाना 57% को, हेडेक यानी कि सिर दर्द 55% को, फेरेंजाइटिस गले की सूजन 52% को, और एडेनोपैथी यानी कि लिम्फ नोड में सूजन 44% को। क्या सबको एचआईवी के लक्षण आते हैं? तो नहीं, सबको एचआईवी के लक्षण नहीं आते। अंदाजित 70% लोगों को एचआईवी के लक्षण दिखते हैं। एचआईवी के लक्षण कितने दिन तक रहते हैं? आमतौर पर एचआईवी के लक्षण 1 से 2 हफ्ते तक रहते हैं। सिर्फ एचआईवी के लक्षण हाजिर होने पर हम किसी को एचआईवी पॉजिटिव घोषित नहीं कर सकते। वापस मैं दोहराता हूँ, सिर्फ एचआईवी के लक्षण हाजिर हो और लेबोरेटरी का टेस्ट नेगेटिव हो तो हम किसी भी इंसान को एचआईवी पॉजिटिव घोषित नहीं कर सकते, एचआईवी पॉजिटिव नहीं मान सकते। और सिर्फ एचआईवी के लक्षण हाजिर नहीं हो और लेबोरेटरी का टेस्ट ना करें तब भी हम किसी को एचआईवी मुक्त यानी कि एचआईवी फ्री नहीं मान सकते। वापस दोहराता हूँ, सिर्फ एचआईवी के लक्षण हाजिर नहीं हो और बिना टेस्ट किए बिना हम किसी भी इंसान को एचआईवी मुक्त या एचआईवी फ्री घोषित नहीं कर सकते। तो इस प्रॉब्लम का, इस समस्या का सिर्फ एक ही उपाय है कि सही समय पर सही किस्म की लेबोरेटरी टेस्ट या जांच से ही पता चल सकता है कि किसी को एचआईवी है या नहीं। किसी भी किस्म के लक्षण के आधार पर एचआईवी है या नहीं ऐसा नहीं कह सकते। यदि किसी को लक्षण हाजिर है तब भी ऐसा नहीं कह सकते कि उसको एचआईवी है, और किसी को लक्षण हाजिर नहीं है तब भी ऐसा नहीं कह सकते कि उसको एचआईवी नहीं है। तो एचआईवी है कि नहीं है वह सिर्फ एक ही चीज़ के आधार पर किया जा सकता है, और वह है लेबोरेटरी की जांच। सही समय पर विंडो पीरियड के बाद की गया एक टेस्ट, यदि वो आपका नेगेटिव आता है तो ये कन्फर्म है कि आपको एचआईवी नहीं हुआ है, और यदि किसी का पॉजिटिव आता है तो ही उस पॉजिटिव रिपोर्ट्स को अन्य किस्म के रिपोर्ट से कन्फर्म करने की ज़रूरत होती है। आपने विंडो पीरियड के बाद एचआईवी का टेस्ट कराया है और वह टेस्ट नेगेटिव है तो नेगेटिव टेस्ट को रिकन्फर्म करने के लिए दोबारा कोई टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है।
तो इसी वीडियो से आपको यह सीखना है कि लक्षण को नजरअंदाज करें। लक्षण से आप एचआईवी का निदान नहीं कर सकते, लक्षण से आपका सिर्फ डर बढ़ सकता है, आपकी समस्या का निराकरण नहीं हो सकता। तो सही समय पर सही टेस्ट कराएं, लक्षण पर ध्यान ना दें, लक्षण को नजरअंदाज करें। इंटरनेट पर लक्षण के बारे में बार बार ना देखते रहे, वो आपका डर बढ़ाएगा। एचआईवी एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर केतन राणपतिया, मुझे 10 से भी ज़्यादा साल का एचआईवी के क्षेत्र में अनुभव है और अब तक हजारों एचआईवी एड्स स्पेशलिस्ट लोगों एचआईवी एड्स से पीड़ित लोगों का इलाज में कर चुका हूँ और यह एचआईवी एड्स से जुड़ी स्पेशल चैनल है जो सबसे ज़्यादा भरोसेमंद है और यहाँ पर इस चैनल्स पर जो भी बात की जाती है किसी व्यक्ति के ओपिनियन बेस पे नहीं की जाती। यहाँ पर जो भी बात होती है वो मेडिकल साइंस, मेडिकल गाइडलाइंस और मेडिकल रिसर्च के आधार पर की जाती है। तो ध्यान रखिए, डरने की ज़रूरत नहीं है, सिम्टम को अपने एक्सपोजर से ना जोड़े और एक बार सही टेस्ट करा लीजिए। नेगेटिव आ जाएगा तो कन्फर्म है कि आपको एचआईवी नहीं हुआ है। हम वापस किसी नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ वापस मिलेंगे। थैंक यू। Stay healthy.